क्या आपका फ़ोन भी हो गया है बहुत ज़्यादा स्लो, और क्या आपका फ़ोन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हीट, और आप चाहते हो इस हीटिंग प्रॉब्लम से छुटकारा, तो आप ये हमारा वीडियो देखते रहिए अंत तक। और आपको हम बताने वाले कुछ ऐसा ट्रिक्स जिससे आपका फ़ोन हो जाएगा चुटकियों में फास्ट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यनके और आप देख रहे हैं टेक एंड इन्फो विथ यनके। दोस्तों होता क्या है कि हम ज़्यादातर बजट स्मार्टफोन यूज करते हैं जो कि 10 से 15 हज़ार के रेंज में होता है, और हम इसको यूज करते हैं हैवी गेमिंग के लिए, इसीलिए हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो होने लगता है और बहुत ज़्यादा हीट भी करने लगता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे हम अपने फ़ोन को बहुत हद तक हीटिंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और उसको फास्ट भी कर सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों हीटिंग दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोसेसर हीटिंग जिसमें हमारा प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। तो होता क्या है कि हमारा प्रोसेसर इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और हम जब उसको कोई टास्क देते हैं, कोई काम देते हैं हम अपने मोबाइल को, तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागने लगता है, चारों तरफ दौड़ने लगता है, और इससे हमारा प्रोसेसर और फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। बेसिकली दोस्तों प्रोसेसर हीटिंग अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्रोसेसर हीट कर रहा है तो इसका मतलब आपका फ़ोन बहुत फास्ट काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दूसरा है बैटरी हीटिंग। दोस्तों अगर आपके फ़ोन का बैटरी हीट हो रहा है तो खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे हमारे फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो हम अपने सबसे पहले ट्रिक्स में क्या करेंगे कि फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेंगे कुछ इस तरह से। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद हम बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लिमिट में क्लिक मिलेगा, और उसको हम नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे बैकग्राउंड में जितने भी काम चल रहे होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे और हमारा फ़ोन थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने फ़ोन के बैकग्राउंड को हमेशा क्लियर रखें, क्योंकि बिना काम का बहुत सारा ऐप होता है जो कि हमारे बैकग्राउंड में ऐसे ही चल रहे होते हैं। एक और पॉइंट दोस्तों कि आप अपने फ़ोन का हमेशा ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें, क्योंकि बहुत सारा डुप्लीकेट चार्जर होता है जो कि हमारे फ़ोन के बैटरी को हार्म करता है और उसको बहुत ज़्यादा हीट भी कर देते हैं और उसका बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में बहुत सारा ऐप भी मौजूद है जो कि हमारे फ़ोन को सचमुच थोड़ा बहुत कूल कर देता है, जैसे कूल क्लीनर। दोस्तों ये क्या करता है कि हमारे फ़ोन का डीप जंक जो होता है उसको क्लीन कर देता है और हमारे फ़ोन को फास्ट, बहुत हद तक फास्ट कर देता है। एक और पॉइंट दोस्तों, आप अपने फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज हमेशा थोड़ा बहुत खाली रखें, क्योंकि अगर हमारा इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाता है तो हमारा फ़ोन बहुत हद तक स्लो हो जाता है और बहुत हद तक हीट भी होने लगता है। अगर गेम खेलते वक्त या फ़ोन को चार्ज करते वक्त आप अपने बैक कवर लगा के रखते हो तो उसको भी निकाल दे, क्योंकि बैक कवर क्या करता है दोस्तों, कपड़े के जैसा काम करता है, हमारे फ़ोन को और भी हीट कर देता है, और जब हमारा फ़ोन हीट हो रहा होता है तो उस हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, इससे हमको और ज़्यादा हीट फील होता है। दोस्तों कई बार लोग क्या करता है दोस्तों, अपने फ़ोन को हीट से बचाने के लिए फ्रिज में रख देता है, या वाटर प्रूफ है तो उसको क्या करता है पानी में रख देता है। दोस्तों ऐसा मत करो, क्योंकि अचानक से टेम्परेचर चेंज होने के कारण आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है दोस्तों। बल्कि आप अपने फ़ोन को हीट से बचाना ही चाहते हो, मार्केट में बहुत सारा मोबाइल कूलर भी उपलब्ध है, आप उसको यूज करो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करती है, और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।